السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فعرفهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ये आखिरी मजलिस के अंदर हम यहाँ पहुँचे थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया। पहचाना कैसा था तो उसकी भी हम वजाहत कर चुके थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चूँकि जिस वक़्त कुएं में डाल दिए गए थे उस वक़्त उनके भाई जो है वो जवानी की उम्र को पहुँच चुके थे, इसलिए उनको पहचानना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना था, इसलिए कि जिस वक़्त उनको कुएं में डाला गया था उस वक़्त वो छोटे बच्चे थे, 7 साल की उम्र थी। और जिस वक़्त ये लोग वहाँ मिस्र आए सबसे पहली दफ़ा खाना तलाश करने के लिए, उस वक़्त यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र 47 ईयर्स थी। तो दरमियान में 40 ईयर्स का फासला हो चुका था। यहाँ पर एक बात जो समझने की है वो ये है कि ज़िंदगी का असल मकसूद, दुनिया के अंदर दो किस्म के लोग हैं, एक तो वो कि जो रब को पहचानते हैं और दूसरी किस्म के लोग वो है जो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं पहचानते। हालांकि हमारी जो ज़िंदगी है इस ज़िंदगी का असल मकसूद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत है, अल्लाह तबारक व तआला की पहचान है। अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को पैदा नहीं किया मगर मेरी मारिफत के लिए, लियाबुदून इबादत के लिए, जिसका माना बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इस बात से किया है कि मेरी मारिफत के लिए। इसीलिए बाज़ उलमा ने यह हदीस भी नकल फरमाई, अगरचे इस हदीस के ऊपर कलाम है कि हदीस ऑथेंटिक है या ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन उसका जो मफहूम है मफहूम सही है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कहती है, कुंतु कंज़म मख़फ़िया, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, फ़अहबबतु अन उरफ़, मैंने ये पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊँ, फ़खलक़तुल ख़ल्क़, मैंने मखलूक को पैदा फरमा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को इसलिए पैदा किया कि भाई मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को पहचाने। ये लफ्ज़ जो है मारिफत, उसके कुछ क्या नाम है, कुछ मारिफ है, उसके कुछ असरार और रमूज है। ये लफ्ज़ जो है मीम आइन रा फा और ता से बना है। मीम का माना होता है मुतीअ, फर्मा बरदार हो जाना। आइन का माना होता है अब्द, बंदा बन जाना अल्लाह तबारक व तआला का। रा का माना होता है रागिब, बंदे के दिल के अंदर अल्लाह की चाहत होनी चाहिए। फा से मुराद तफवीर, इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने आप को सपुर्द कर दे। और ता से मुराद तर के लज्जात दुनिया, इस दुनिया के अंदर रहते हुए इंसान को चाहिए कि दुनियावी लज्जतों को छोड़े और अल्लाह तबारक व तआला की लज्जत, अल्लाह की मारिफत की लज्जत को हासिल करने की कोशिश करे। मारिफत का नूर, मारिफत का नूर, मारिफत का नूर जो है ये भी एक बहुत अजीब चीज़ है, और वो ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान के दिल के अंदर अपनी मारिफत का नूर दाखिल कर देते हैं तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत की पहचान नसीब हो जाती है, अल्लाह की अज़मत की पहचान नसीब हो जाती है। ये मारिफत का नूर हम कैसे हासिल करें, मारिफत का नूर हम कैसे हासिल करें? तो भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये दुआ सिखाई कि फजर के वक्त जो है इंसान जब नमाज के लिए जा रहा हो तो इस दुआ को पढ़े, अल्लाहुम्मा इज्अल फी क़ल्बी नूरा व फी समी नूरा व बसरी नूरा व अन यमीनी नूरा व शिमाली नूरा व फौकी नूरा व तहती नूरा व अमामी नूरा व खल्फी नूरा व इज्अली नूरा व इज्अलनी नूरा। अजीब दुआ है, अल्लाहुम्मा इज्अल फी क़ल्बी नूरा व फी समी नूरा व बसरी नूरा, मेरी कल्ब के अंदर नूर डाल दे, मेरी आंखों के अंदर नूर डाल दे, मेरी समात के अंदर नूर डाल दे। व अन यमीनी नूरा, मेरे दाहिने तरफ नूर रख दे, मेरे बाएं तरफ नूर रख दे, मेरे आगे नूर रख दे, मेरे पीछे नूर रख दे, मेरे ऊपर नूर रख दे, मेरे नीचे नूर रख दे। वजअली नूरा, और मेरे लिए नूर पैदा कर दे। वजअली नूरा वजअलनी नूरा,
वजअल्ली नूरा, मेरे लिए नूर बना दे और मुझे खुद भी नूर बना दे। तो इस दुआ का अगर हम एहतमाम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इसकी बरकत से हमें नूर नसीब फरमाएगा और हमें मारिफत का नूर भी नसीब हो जाएगा। 56वां फ़ायदा ये है कि तन की दुनिया और मन की दुनिया और। तन की दुनिया का माना मुशाहदा की ज़िंदगी, जो चीज़ें हमें नज़र आ रही है ये एक अलग दुनिया है। मन की दुनिया और, जो इंसान का अंदर है उसकी दुनिया और है। उसकी एक दो मिसालें मैं ज़िक्र करके वक्त उसके अंदर ज़्यादा नहीं लगाता, इसलिए कि हमने आगे बहुत आगे चलना है। तन की दुनिया के अंदर ज़मीन जो है, ज़मीन से हर चीज़ को उगाती है, ये तन की दुनिया है। तन की दुनिया के अंदर जो है, दुनिया की जो ज़मीन है वो हर चीज़ को उगाती है। और जो मन की दुनिया है उस मन के अंदर जो है इंसान का मन जो है मारिफत की वजह से नेकी की तौफीक उगाती है। मन की दुनिया जो है वो मारिफत की वजह से नेकी की तौफीक उगाती है। अच्छा, दूसरी में एक और मिसाल देता हूँ। तन की दुनिया में हीरे और मोती के ख़जाने हैं। तन की दुनिया के अंदर हीरे और मोती के ख़जाने हैं। मन की दुनिया में मारिफत के नूर के ख़जाने हैं। तन की दुनिया के अंदर मारिफत के नूर के ख़जाने हैं। एक और मिसाल देता हूँ। तन की दुनिया में मुश्क की खुशबू फैलती है। तन की दुनिया के अंदर मुश्क की खुशबू फैलती है और मन की दुनिया में मारिफत का नूर भी फैलता है, मारिफत के नूर की खुशबू फैलती है। बहरहाल आगे जो है, क्या नाम है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के लिए सामान को तैयार किया और उनको कहा कि भाई मेरे भाई को अपने साथ लेकर आना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा ज़हानत के साथ काँप लिया। उनको क्या कहा, उनको ये कहा कि भाई अपने भाई को लेके आना अपने बाप के पास से। और फिर उसके बाद जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो अगला जुमला कहा वो ये कहा कि भाई तुम लोग देख नहीं रहे हैं कि भाई मैं जो वज़न है वो भी पूरा पूरा दे रहा हूँ, वह अन खैरुल मुंजिलीन, और मैं बेहतरीन, क्या नाम है, मेहमान नवाज हूँ। और फिर अगला जुमला भी इरशाद फरमा दिया कि अगर तुम उनको लेकर नहीं आओगे तो तुम मेरे पास जो है नहीं आना, मेरे करीब भी ना आना। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है अकलमंदी के साथ और बहुत ज़हानत के साथ जो है उनके भाई का उनसे मुतालबा फरमाया। आगे जो है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इजअलू बिज़ाअतहुम फी रिहालिहिम। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो है अपने जो काम करने वाले थे इनको ये कहा कि भाई उनके सामान के अंदर तुम क्या कर दो, उनके सामान के अंदर जो है तुम उनकी पूंजी को रख दो। उन्होंने क्या नाम है जो पैसे अदा किए थे गल्ला लेने के लिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई वो उनको वापस कर दो। वापस करने के अंदर क्या हिकमत थी, तो पहली बात तो ये कि भाई जब वो देखेंगे घर जाकर कि भाई उनको मुफ्त के अंदर गल्ला मिला तो उनको उससे खुशी होगी। दूसरा ये कि भाई अगर अगली मरतबा वो आना ना चाहते तो अगर वो आना चाहते तो मुमकिन है कि भाई उनके पास पैसे ना होते आने के लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उनकी पूंजी वापस कर दी तो भाई उस पूंजी की वजह से उनके लिए ये बात आसान हो जाएगी कि भाई वो अगली दफ़ा आ सके। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बुनियाद के ऊपर उनके, क्या नाम है, उनकी पूंजी को वापस कर दिया। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कि फलम्मा रजऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैलु फअरसिल मअना अखाना नक्तल व इन्ना लहू लहाफिज़ून قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل। क्या फरमाया, फलम्मा रजऊ इला अबीह, जब वो लोग अपने बाप की तरफ अपने वालिद की तरफ वापस लौटे, उन्होंने कहा कि ए हमारे वालिद मुनिअ मिन्नल कैल, हमारे लिए जो है एक वज़न जो है रोक दिया गया है, हमसे जो है एक वज़न क्या कर दिया गया है, गल्ला जो है हमसे रोक दिया गया है। फ़ारसिल माना अखाना नक्तल, आप हमारे साथ हमारे भाई को भेजें। नक्तल
तो हम गल्ला ला सके, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम उनकी हिफाजत करने वाले हैं, व इन्ना लहू लहाफिज़ून। आगे फरमाया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते कि हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीही मिन कब्ल। क्या फरमाया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ने फरमाया, याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्या मैं उसके बारे में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसे उसके भाई के बारे में तुमसे पहले मैंने भरोसा किया था? क्या मैं तुम्हारे ऊपर इसके बारे में इसी तरह भरोसा करूं जिस तरह मैंने तुमसे उसके भाई के मामले में भरोसा किया था इससे पहले? फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सबसे बड़ा निगहबान है, हिफाजत करने वाला है। वह हुआ अरहमुर राहिमीन, और वह अरहमुर राहिमीन है। वलम्मा फतहु मताअहुम, जब उन्होंने अपने सामान को खोला, वजदु बिज़ाअतहुम, उन्होंने अपनी पूंजी को पाया, रुद्दत इलैहिम, जो उनकी तरफ लौटा दी गई थी। कौलू, उन्होंने कहा, या अबाना मा नबगी, अब इसके बाद हम और क्या चाहते हैं? हाज़िही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना, ये हमारी पूंजी है जो हमें लौटा दी गई है। व नमीरु अहलना व नहफ़ज़ु अखाना व नज़दादु कैल बईर। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि व नमीरु अहलना, हम अपने घर वालों के लिए गल्ला लाएंगे, हम अपने घर वालों के लिए गल्ला लाएंगे। व नहफ़ज़ु अखाना, और हम अपने भाई की हिफाजत करेंगे। व नज़दादु कैल बईर, और एक ऊंट जायद गल्ला लेकर आएंगे। ज़ालिका कैलु यसीर, ज़ालिका कैलु यसीर, ये तो बहुत आसान मामला है। उन्होंने ये कहा कि भाई ये ज़्यादा गल्ला लेकर आना बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ये ज़्यादा गल्ला लेकर आना बड़ी आसानी से मिल जाएगा। قال لن أرسله معكم, उन्होंने फरमाया कि मैं उसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम मुझको अल्लाह का पक्का वादा न दे दो। लतअतुन्ननी बिही इल्ला अन युहात बिकुम, कि ज़रूर तुम उसको मेरे पास ज़रूर तुम उसको मेरे मेरे पास लेकर आओगे, इल्ला अन युहात बिकुम, इल्ला ये कि तुम जो है मजबूर हो जाओ। फलम्मा आतौ हु मौफ़िक़कुम, जब उन्होंने उनको अपना वादा दिया, कौल अल्लाहु अला मा कौल कौला, उन्होंने फरमाया अल्लाहु अला मा नकुल वकील, अल्लाह तबारक व ताला जो है उसके ऊपर जो हम कह रहे हैं निगहबान है। उन्होंने फरमाया कि भाई जो कौल और क्या नाम है इकरार हम कर रहे हैं उसके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला जो है वो क्या नाम है निगहबान है। देखिए यहाँ तक क्या हो गया, अब वो लोग वापस लौट गए। जब वापस लौटे तो उन्होंने क्या कहा अपने वालिद को कि भाई हमें एक मजीद ऊंट का बोझ लाने से उन्होंने रोक दिया है। क्यों रोक दिया है? इसलिए कि भाई हमारा भाई हमारे साथ नहीं था, आप उसको हमारे साथ भेजो तो मजीद हमें एक ऊंट का बोझ मिल जाएगा गल्ले का। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई ये पहले भी मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया इसके भाई के मामले में, तो क्या अब मैं इसको भेज के भी तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ? ये नहीं हो सकता। फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जहानत जो थी, उन्होंने चूंकि वो सामान के अंदर पूंजी रख दी थी तो वो उनको मजीद जो है क्या दिलाने वाली थी, उनको मजीद जो है हौसला दिलाने वाली थी, वो मजीद उनको क्या कहते हैं इसको कॉन्फिडेंस देना दिलाने वाली बात थी कि भाई जब उन्होंने हमें अपनी पूंजी भी वापस कर दी तो इसका मतलब ये है कि भाई हम वापस जा सकते हैं। लिहाजा उन्होंने क्या नाम है उनको वो जब पूंजी निकली तो बच्चों ने खुद अपने वालिद को बताया कि जब हमें पूंजी भी वापस कर दी इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमें वापस कर दी गई है। वह नमीरु अहलन, हम अपने अहल के लिए जो है बोझ लेकर आएंगे, अपने भाई की हिफाजत करेंगे और मजीद जो है क्या नाम है हमें एक ऊंट का बोझ लेकर आएंगे। फिर उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई मैं उसको नहीं भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह का पक्का वादा न कर लो मुझसे कि तुम उसको वापस लेकर आओगे, इल्ला ये कि तुम मजबूर हो जाओ, बेबस हो जाओ, तुम्हें ऐसे हालात जो है वो घेरे के अंदर ले ले कि उसके तुम जो है उसको छोड़े बगैर क्या नाम है कोई तुम्हारे पास चाराकार ना हो। उन्होंने फरमाया, फिर जब उन्होंने वादा ले लिया तो फिर उस वादे के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको जाने दिया। आगे 57वां फायदा, 57वां फायदा क्या है कि नाफरमान औलाद के बारे में भी कभी मायूस न हो। यहाँ पर ये नुक्ते की बात जो समझाई गई है
वो ये है कि बसा औकात वालिद को ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है कि औलाद जो है वो नाफरमान हो जाती है। उस वक़्त जो है बहुत सारे वालिदैन क्या कर देते हैं, वो गफलत करते हैं, बच्चों को कोसते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, उनको अपने से दूर कर देते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम का जो तरीका रहा अपने बच्चों के साथ, उससे हमें यही सबक मिला कि भाई बच्चों को उनकी नाफरमानी के बावजूद उनको नसीहत करते रहे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं, फ़ज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। भाई हमारा काम क्या है, नसीहत करना है। नसीहत जो है वो मुमिन को फ़ायदा देती है। कतरा कतरा जो है वो एक दिन समंदर बन जाएगा, सुराख हो जाएगा उस पत्थर के अंदर। तो थोड़ा थोड़ा जो है उनको वक्तन फवक्तन क्या करते रहे, अगर नसीहत करते रहेंगे अल्लाह तबारक व तआला उसके फवाइद हमको नसीब फरमाएंगे। आगे क्या फरमाया, फल्लाहु खैरुन हाफिदा, फल्लाहु खैरुन हाफिदा। यहाँ पर क्या फरमाया, वो फरमा रहे हैं कि भाई क्या नाम है, यहाँ पर ये फरमाया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कि भाई अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या नाम है, या बेहतरीन निगहबान है, हिफाजत करने वाली ज़ात है। तो उसमें इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि हम तो असबाब इख्तियार करने वाले लोग हैं, यानी असबाब इख्तियार करने का काम जो है वो तो हमारा है, लेकिन जो असल नज़र इंसान की होनी चाहिए वो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के ऊपर होनी चाहिए कि वही ज़ात जो है वो मुहाफिज़ है। आगे देखे, आगे फरमाए कि वकाला या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वादखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका वमा उग्नी अन्कुम मिन अल्लाही मिन शय इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अलैहि तवक्कलतु अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून वलम्मा दखलू मिन हैथु अमरहुम अबूहुम मा काना युग्नी अन्हुम मिन अल्लाही मिन शय इल्ला हाजतन फी नफ्सी याकूब कज़ाहा वइन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलकिन अक्सरन नासि ला यअलमून। वकाला या बनिया, और उन्होंने फरमाया कि मेरे बेटो, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, एक दरवाजे से दाखिल न होना, वादखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना, वमा उग्नी अन्कुम मिन अल्लाह मिन शय, मैं अल्लाह ताला की मशीयत से तुम्हें नहीं बचा सकता, वमा उग्नी अन्कुम मिन अल्लाह मिन शय, अल्लाह की मशीयत से मैं तुमको नहीं बचा सकता, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला नहीं है मगर अल्लाह ही का है, अलैहि तवक्कलतु, उसी के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, वालेह फलिय तवक्कल मुतवक्किलून, और उसी के ऊपर भरोसा करने वाले भरोसा करते हैं। वलम्मा दखलू मिन हैथु अमरहुम अबूहुम, और जब वो दाखिल हुए जहाँ से उनकी वालिद ने उनको हुक्म फरमाया था, मा काना युग्नी अन्हुम मिन अल्लाह मिन शय, उनको अल्लाह की मशीयत से कोई चीज़ बचाने वाली नहीं थी, इल्ला हाजतन, मगर ये कि याकूब अलैहिस्सलाम की हाजत को उन्होंने पूरा किया, मगर ये कि याकूब अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश को पूरा कर लिया जाए। वइन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु, और बेशक वो इल्म वाले थे उस इल्म से जिसको जो हमने उनको सिखाया, और वो क्या थे, वो ऐसे इल्म के हामिल थे जो इल्म हमने उनको सिखाया, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जो है वो उसको जानते नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ, उनको इजाज़त दे दी जाने की, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औलाद तुम जा तो रही हो लेकिन मेरा हुक्म मान के जाओ। हुक्म क्या है, एक दरवाजे से दाखिल न होना, मुतफर्रिक दरवाज़ों से दाखिल होना। अच्छा, और इसमें उसकी क्या वजह है, उसकी सारी तफसील आगे आ रही है। और अगली बात यह है कि भाई अल्लाह की मशीयत से मैं तुमको बचा नहीं सकता, यानी अगर तुम्हें कुछ होने वाला होगा तो वो तो हो जाएगा, लेकिन मैं अल्लाह की मशीयत से बचा नहीं सकता तुमको, लेकिन कम अज़ कम ये तदबीर तुम ज़रूर इख्तियार करो। और आगे फरमाया कि भाई फैसला तो अल्लाह ही का है, और मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करता हूँ, और तमाम भरोसा करने वाले अल्लाह ही के ऊपर भरोसा करते हैं। फिर जब वो दाखिल हुए उन्हीं दरवाज़ों से, मुतफर्रिक दरवाज़ों से जैसे उनको हुक्म किया था, तो उसमें सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पूरा करने के लिए था, अल्लाह की मशीयत से कोई बचने वाले वो नहीं थे। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इल्म के हामिल थे, उस इल्म के हामिल जो इल्म हमने उनको दिया था, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। अब देखिए यहाँ पर, उदखुलू मिन अबवाब मुतफर्रिका, तुम मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल हो, ये जो फरमाया था कि भाई तुम मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल हो, उसकी क्या खास वजह है, राज क्या है उसके अंदर,
इसलिए कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जो है वो नौजवान औलाद थी, सेहतमंद थी, खूबसूरत थी। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बहुत ज़्यादा हुसन से नवाजा था। इसके अंदर ये ख़तरा था कि सारे अगर एक ही दरवाजे से दाखिल होंगे तो फौरन लोगों के जहनों के अंदर सवाल उठेगा कि ये तो अभी चंद दिन पहले आए थे, दोबारा यहाँ पर क्या करने आए। तो एक तो ये इसके अंदर मसला था, दूसरा मसला उनका ज़ाहिरी हुस्न जमाल की वजह से अगर एक ही दरवाजे से दाखिल होंगे तो लोग हसद के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और लोगों की नज़र लग सकती है उनको। यहाँ पर ये समझ लीजिए मसला जो है वो नज़र का। हदीस मुबारक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल आइनु हक्कुन, नज़र जो है वो हक है, नज़र लगती है इंसान को। हत्ता कि एक हदीस मुबारक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल आइना लतुदखिलु रजुल अल कब्र, जो नज़र है इंसान को कब्र के अंदर दाखिल कर देती है, वल जमल अल किदरा, और ऊँट को हांडी तक पहुँचा दे सकती है। यानी अगर किसी की नज़र लग जाए तो नज़र इतनी ख़तरनाक चीज़ है और ये हकीकत में होती है और लगती है, और जब लग जाती है तो इंसान कब्र तक भी पहुँच सकता है, और कोई बंदा जो है अगर उसको लग जाए या जानवर को लग जाए तो जानवर किसके अंदर पहुँच सकता है, जानवर जो है वो हांडी के अंदर पहुँच सकता है। इसके बारे में जो एक मशहूर वाकया, एक सहाबा के बारे में सहल इब्न हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला का वाकया है, बहुत खूबसूरत जिस्म अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाया था। एक मौके के ऊपर गुसल कर रहे थे, गुसल के लिए उन्होंने तहबन बांधा हुआ था, जिस्म का ऊपर का हिस्सा जो है वो कपड़े के बगैर था। अब एक सहाबी वहाँ पर आमिर इब्न रबीआ रज़ी अल्लाह तआला गुजर रहे थे, उनकी नज़र पड़ गई। अब जब उनके खूबसूरत जिस्म को उन्होंने देखा कि भाई उसका क्या नाम है, रंग भी खूबसूरत है और क्या नाम है मसल्स वाला, क्या नाम है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म अता फरमाया, तो भाई बेसाख्ता वो कह पड़े कि कितना खूबसूरत जिस्म। जैसे ही उनके इनकी ज़ुबान मुबारक से ये जुमला अदा होना था कि उसी वक़्त सहल इब्न हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो गिर पड़े, बेहोश हो गए, सख्त बुखार चढ़ गया, यहाँ तक कि वो उठ ही नहीं सकते थे। हत्ता कि ये मसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचाया गया, नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, पूछा, उन्होंने बता दिया कि जी हाँ ऐसे हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हल्ला बर्रक, अपने बारकल्लाह के अल्फाज क्यों नहीं कहे। तो ये ज़रूरी है हर इंसान के लिए कि जब हम किसी खूबसूरत बंदे को देखे, खूबसूरत चीज़ को देखे, खूबसूरत गाड़ी को देखे, खूबसूरत मंजर को देखे, हम माशा अल्लाह कहे या बारकल्लाह फीक कहे, ताकि अल्लाह के नाम के शामिल हो जाने से उस चीज़ के ऊपर हमारी बुरी नज़र न लगे और उस चीज़ को नुकसान न हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके बाद उनको हुक्म फरमाया कि वो वुज़ू करे। वुज़ू करने के बाद उस वुज़ू के पानी से उस सहाबी को गुसल दिलवाया गया, और जब उनको गुसल दिलवाया तो उनकी नज़र उतर गई। तो ये तरतीब है, क्या नाम है, किसी की नज़र उतारने की। अगर मालूम हो जाए कि इस बंदे की नज़र लगी है तो उस बंदे के पास वुज़ू करवाना चाहिए, और उसके वुज़ू का पानी, उसके वुज़ू के पानी से जिसको नज़र लगी हो उसको गुसल करवाना चाहिए, तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जो है उसको क्या कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस नज़र से उसको उसकी नज़र उतर जाती है। नज़र बद के बारे में चंद मसाइल। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई इंसान को चाहिए कि भाई जो नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है उसको दिखाता ना फिरे लोगों को। हमारे फोन्स के ऊपर अपने बच्चों के क्या नाम है फोटोज़ होते हैं डीपी के तौर पर, हमें अल्लाह ने कोई खूबसूरत गाड़ी दी होती है तो भाई वो खूबसूरत गाड़ी हम डीपी के ऊपर रख देते हैं, हमें क्या पता कौन किस नज़र से देख रहा है। और इस ज़माने के अंदर जो है नज़र का लग जाना ये तो बहुत आम हो चुका है, लोग उसके ज़रिए से जो है हमारे डीपी के ऊपर चीज़ें देखकर जादू भी करते हैं, सिहर भी करते हैं। जब यहाँ तक मामला है तो भाई हम क्यों चीज़ों को अपने लोगों को के सामने डिस्प्ले करें। नए शादीशुदा है तो अपने फ़ोटो लेकर जो है वो डीपी के ऊपर रख दिया है, और वो ये समझ रहे हैं कि भाई अपने ही दोस्त अहबाब देख रहे होंगे। हालांकि क्या दोस्त अहबाब, उन्हीं दोस्त अहबाब के दिलों के अंदर तुम्हारी कितनी मोहब्बत है, कितनी अच्छी नज़र से वो देख रहे होंगे, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है किसकी नज़र लग जाए। तो भाई इससे बेहतर ये है कि तदबीर इख्तियार की जाए कि भाई जो नेमत अल्लाह ने दी है उसको छुपा कर रखे। दूसरी तदबीर उसकी ये है कि क्या नाम है क्या कहते हैं इसको, वो ये है कि भाई जो अहादीस के अंदर हमें दुआएँ सिखाई गई है
उन अहादीस के अंदर उन दुआओं को पढ़ने का एहतमाम करे। जब बंदा उन दुआओं को पढ़ने का एहतमाम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है इंसान को नज़र से महफूज कर देता है। उनमें से चंद एक क्या नाम है दुआएं जो है वो क्या है, वो ये है कि भाई औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाति मिन शर्रि मा खलक, इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करे, सुबह के अंदर 3 दफ़ा, शाम के अंदर 3 दफ़ा। इसी तरह जो है वो क्या नाम है अगली तदबीर जो इंसान इख्तियार कर सकता है वो ये है कि जब वो किसी चीज़ खूबसूरत चीज़ को देखे तो भाई देखते ही माशाल्लाह करे, बारकल्लाह कहे, तो उससे जो है अगले बंदे को नज़र नहीं लगेगी। तो ये क्या नाम है कुछ तदबीरात है, इन तदबीरात को इख्तियार करें। हज़रत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह अलैह ने एक वजीफ़ा भी सिखाया है, इस वजीफ़े को अगर इंसान सुबह शाम पढ़ ले और फिर अपना गोल दायरा कर ले तो उसका एक हिसार बन जाता है, अल्लाह इसकी हिफाजत करता है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, दरमियान के अंदर सूरह फातिहा, उसके साथ आयतुल कुर्सी, उसके साथ आयतुल कुर्सी, और आखिर के अंदर 4 कुल। इनको एक एक दफ़ा पढ़ ले बंदा, और अगर 3-3 दफ़ा पढ़ सकता है तो 3-3 दफ़ा पढ़ ले, और अगर मुमकिन हो तो सूरह बकरा की जो आखिरी आयत है लिल्लाहि मा फिस समावात से लेकर आखिर तक, इसको भी पढ़े। पढ़कर अपने उंगली के ऊपर दम करके अपना गिर्द जो है एक क्या बना दे, दायरा बना दे। बाद उलमा ने जिक्र फरमाया कि ये इतना मुजर्रब जो है वो क्या कहते हैं उसको हिसार है हिफाजत का, कि बाद उलमा ने फरमाया कि हमने बाद उन लोगों को जो कब्र के अंदर मदफून थे हमने उन लोगों का हिसार किया, जब हमने हिसार किया तो हमें ये मालूम हुआ कि उस रात अल्लाह तबारक व तआला ने या उस दिन में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके आज़ाब की तख़फ़ीफ़ फरमा दी। अंदाज़ा करें कितना ज़बरदस्त और कितना मुजर्रब ये क्या नाम है हिसार होगा। तो भाई हम अपनी हिफाजत करें, अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारी हम अगर ये इन तदाबीर को इख्तियार करें उसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। बहरहाल ये बहुत लंबा क्या कहते हैं इसको ये टॉपिक है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि उसकी मज़ीद तफसील के अंदर जाए। 58वां फ़ायदा, 58वां फ़ायदा क्या है, तो 58वां फ़ायदा ये है कि भाई इंसान जो इखलास क्या नाम है इखलास बड़ी नज़र का असर, इखलास बड़ी नज़र का असर। पीछे क्या था, पीछे ये था कि भाई बुरी नज़र का लगना। 58वां फ़ायदा यह है इखलास बड़ी नज़र का असर, भाई जहाँ पर बुरी नज़र लगती है वहाँ पर इंसान को अच्छी नज़र भी लग सकती है, वो नज़र जिसके अंदर अल्लाह की महब्बत हो, वो नज़र जिसके अंदर मखलूक के साथ शफ़क़त का जज्बा हो, वो नज़र कि जिसके अंदर इखलास हो, वो नज़र जो क्या नाम है पड़ती है अल्लाह के हुक्म से किसी के ऊपर, तो उस नज़र के अंदर क्यों वो क्या नाम है उस नज़र के अंदर क्यों असर नहीं होंगे अच्छे असरात। इसीलिए जो है बाद लोगों के ऊपर जब अल्लाह वालों की नज़र पड़ती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस नज़र की बरकत से इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते। अल्लाह के रसूल सल्लम की नज़र का एक जो है मुख्तसर वाक़िया सुनाता हूँ। उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम से वो शिकायत कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम मैं अपनी दिल के अंदर आपकी महब्बत सबसे ज़्यादा पाता हूँ इल्ला नफ़्सी सिवाय मेरी ज़ात के, यानी अपनी ज़ात की महब्बत मेरे अंदर आपके मुकाबले में ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लम ने उनकी तरफ देखा और नज़र करके फरमाया कि नहीं हो सकता, यहाँ तक कि मेरी महब्बत सबसे ज़्यादा हो जाए तमाम चीज़ों से, हत्ता कि आपकी ज़ात से भी। अल्लाह के रसूल सल्लम की नज़र पड़नी थी, आपकी ज़ुबान मुबारक से जुमला अदा होने थे कि उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल आन, अल्लाह के रसूल सल्लम अब तो वो कैफियत बन चुकी है मेरे दिल में कि आपकी महब्बत तमाम चीज़ों से हत्ता कि मेरी ज़ात से भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये क्या नाम है अल्लाह वालों की नज़र जो है बहुत ही क्या नाम है उसके अंदर ताफीर होती है। आगे क्या फरमाया, याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया वा अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, कि भाई तवक्कुल करने वाले अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर तवक्कुल करते हैं। तवक्कुल का माना क्या होता है, तवक्कुल का माना क्या होता है, मुख्तसर तौर पर तवक्कुल का माना होता है इजहारुल इज्ज, अपनी ज़ात का आजिज होने का इजहार करना, वल एतमाद अला गैरिक, और किसी और के ऊपर एतमाद करना। हम अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर जो भरोसा करते हैं इसका माना ये है
कि हम ये एतराफ़ करते हैं, हम ये इजहार करते हैं कि अल्लाह हम कोई चीज़ कर नहीं सकते, हम कासिर है। दुनिया इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस के सामने आजिज़ हो चुकी है, तो ए अल्लाह उसकी दवाई या उसका वैक्सीन या उससे छुटकारे में हम सारे आजिज़ हैं, और फिर उससे शिफा होने का एतमाद तेरी ज़ात के ऊपर करते हैं। इसका माना होता है तवक्कुल। तवक्कुल की खूबियाँ, तवक्कुल की खूबियाँ, इसकी 13 खूबियाँ है, इसकी 13 खूबियाँ है। मैं तमाम खूबियाँ नहीं बयान करूँगा, चंद एक बयान करूँगा। सबसे पहली खूबी जो है उसकी क्या है कि उस बंदे के अंदर जिसमें तवक्कुल पाया जाता है, वो बंदा उस बंदे के अंदर ईमान के होने का, वो ईमान का होना यकीनी है। इसका ईमान जो है वो क्या नाम है, यकीनी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो अगर तुम मुमिन हो। क्या माना कि अगर हमने अल्लाह के ऊपर भरोसा कर लिया तो ये इस बात का पक्का और ठक्का जो है फैसला है कि हम मुमिन है, पक्का और ठक्का फैसला, ये अल्लाह खुद फरमाते। तो अगर हमने अल्लाह के ऊपर भरोसा कर लिया तो हमारे ईमान के यकीनी होने का सबूत हमको मिल गया कि भाई हम यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखने वाले। दूसरी खूबी किफायतुल मुतवक्किल जमी अशुओन ही, क्या नाम है, दूसरी खूबी यह है कि मुतवक्किल जो है उसके हर काम में जो है अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी होता है, हर काम में अल्लाह काफ़ी होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु, जो बंदा अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है अल्लाह तबारक व तआला जो है उसके लिए काफ़ी होते हैं। अगली खूबी आखिरी बयान करता हूँ, जो बंदा अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इन्नल्लाह युहिब्बुल, नहीं क्या फरमाया, जो बंदा अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है उसको अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाती है, यानी अल्लाह उससे मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। क्या फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, एक तो ये है कि हम मोहब्बत करें, भाई हम क्या अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, कितनी अजीम चीज़ है, कितनी बड़ी नेमत है। तो इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, इन हालात में हम में से हर बंदा अल्लाह के ऊपर भरोसा करने वाला बन जाए, हमें अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाएगी, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा, कितनी अजीम नेमत है। यानी इन हालात में इस नेमत को पा लेना हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है। आगे देखें, आगे क्या नाम है, आगे जो है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आगे फरमाते हैं, आगे फरमा दिया वलम्मा दखलु अला यूसुफा आवा इलैहि अखाहु काला इन्नी अना अखूका فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم كيف فرمائي اس آيات کے اندر ولما دخلوا على يوسف جب وہ داخل ہوئے يوسف علیہ السلام کے اوپر آوا إليه أخاه انہوں نے اپنے پاس اپنے بھائی کو ٹھکانا دے دیا فرمایا انی انا اخوك میں آپ کا بھائی ہوں वला तब तइस बिमा कानू यअमलून और आप रंजीदा ना हो उन बातों के ऊपर जो ये लोग करते थे। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िन, जब उन्होंने उनके सामान को तैयार कर दिया जअल सिक़ायत फी रहल अखी, तो उन्होंने अपने भाई के कजावे के अंदर बर्तन डाल दिया। सुम्मा अज़ना मुअज़्ज़िनुन, फिर ऐलान करने वाले ने ऐलान किया अय्यतुहल ईर के एक काफिले वाले इन्नकुम लसारिकुन, तुम चोर हो। क़ालू, उन्होंने फरमाया वअक़बलु अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून, उन्होंने फरमाया उनकी तरफ मुड़ते हुए
या उनकी तरफ मुतवज्जे होते हुए, मा तफकिरून, तुमने किस चीज़ को गुम पाया है या तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है। कौल, उन्होंने फरमाया, नफकिदु सुवा अल मलिक, हम बादशाह के बर्तन को, पैमाने को गुम पा रहे हैं। वलिमन जा अभी ही हिमलु बईर, जो उसको लेकर आएगा उसके लिए ऊंट का बोझ होगा। वा नबी ही जईम, और मैं उसका जिम्मेदार हूँ। कौल, उन्होंने कहा, तल्लाही, अल्लाह की कसम, लकद अलीम तुम्मा जी इना, तुम जानते हो क्या हम नहीं आए निनुफसिदा फिल अर्ज, जमीन के अंदर फसाद मचाने के लिए। अमा कुन्ना सारिकिन, हम चोर नहीं है। कौलू, उन्होंने फरमाया, फमा जजाउहू इनकुन तुम काजिबिन, उसका बदला क्या होगा अगर तुम झूठे हो। कौलू, उन्होंने कहा कि जजाउहू मवजिदा फी रहलिही फव जजाउ, उन्होंने कहा कि उसका बदला वो शख्स होगा जिसके सामान में वो बर्तन पाया गया। कदालिक नज़िर्ज़ालिमीन, इसी तरह जो है हम बदला देते हैं जुल्म करने वालों को। फबदा भी अवियातिन, बस शुरू किया उनके सामान से, अपने भाई के सामान से पहले। तुम मस्तखरजहा मिव्याई अखी, फिर उसको निकाला अपने भाई के सामान में से या कजावे में से। कदाली का कितना यूसुफ, इसी तरह हमने तदबीर सिखाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को। माकान लिया खुदाखा फी दीन मलिक, वो नहीं ले सकते थे अपने भाई को बादशाह के दीन के मुताबिक, दीन के मुताबिक, इल्ला अय्यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह तबारक व तआला चाहे। नरफ़ऊ दरजात मन नशा, हम बढ़ाते हैं दर्जे, हम बढ़ाते हैं उस शख्स के दर्जे को जिसको हम, जिसके लिए हम चाहते हैं। वफ़ऊ का कुल्ली भी इल्मिन अलीम, और हर अलीम शख्स के ऊपर जो है, अलीम शख्स है, हर जानने वाले शख्स के ऊपर क्या नाम है, इल्म वाला शख्स है। आगे क्या फरमाया, वलम्मा दखलु अला यूसुफ, इसका खुलासा, अब जब वो पहुंचे वहां पर, इस दफा बिन्यामीन अलैहिस्सलाम भी साथ गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मुतालबा फरमाया था, अब वो पहुंचे वहां पर। जब वो पहुंचे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको फौरन ही, जो अपने भाई थे उनको अपने पास ठिकाना दे दिया, और उनको तसल्ली दे दी कि मैं तुम्हारा भाई हूं, और ये जो तुम्हें तंग करते थे रास्ते में, और पहले भी तुम्हें तुम्हारे दूसरे भाई जो 10 है, तुम्हें जो जिरकते रहते थे, उनके ऊपर तुम रंजीदा ना हो। अब जब ये वापस हो रहे थे, तो उनका सामान के अंदर जो है क्या कर दिया, अपने एक बर्तन को रख दिया। क्यों रख दिया, इसलिए कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि अपने भाई को अपने पास रखे, लेकिन उनके दीन के मुताबिक, बादशाह का जो दीन था उस दीन के मुताबिक, किसी को वो, कोई बंदा किसी को अपने पास नहीं रख सकता था। उसको उसी वक्त रख सकता है, गैर को अपने पास रखने के लिए ज़रूरी है कि भाई उसने चोरी की हो, और चोरी करने वाले बंदे की सज़ा ये होती थी कि उसी शख्स को रख लिया जाए। तो यहाँ पर वही हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवाया कि भाई बादशाह का सामान गुम हो गया है, बर्तन गुम हो गया है, तुम चोर हो। उन्होंने फरमाया कि भाई हम तो चोर नहीं है। फिर आगे ये भी ऐलान किया कि जो उस बर्तन को लेकर आएगा उसके लिए इनाम होगा, हम उसको एक बोझ ऊंट का आटा फरमाएंगे। उन लोगों ने कहा कि भाई हम तो अल्लाह की कसम खाते हैं कि भाई, और अल्लाह की कसम खाते हो, तुम जानते हो कि हम यहाँ फसाद मचाने के लिए नहीं, और ना हम चोर हैं। फिर उनको पूछा, उन्हीं को पूछा कि फमा जजाउहू इनकुन तुम काज़िबीन, तुम खुद बताओ जिसके पास से बर्तन निकला उसका बदला क्या होगा। उन्होंने कहा कि बदला उसका वही शख्स होगा। फिर आगे फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया कि भाई हम इसी तरह बदला देते हैं जालिमों को। अब जब सामान चेक करना था, तो शुरू किससे किया, दूसरे भाइयों के सामान से शुरू किया, ताकि इनको शक ना हो कि भाई इन्होंने कोई तदबीर खेली है। फिर उनके बिन्यामीन अलैहिस्सलाम के सामान को चेक किया, उसमें से निकल आया, और फिर जो है वो आगे क्या नाम है, अल्लाह तबारक व तआला मजीद आगे बात फरमाते, देखे आगे आगे क्या फरमाए, इन्नी अना अखू का, मैं तुम्हारा भाई हूँ। बिन्यामीन अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कैसे हुई, कि भाई जब वो आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। पहचान कैसे लिया, तो पहचान इसलिए लिया कि भाई पहले इनको कहा था कि तुम भाई को लेकर आना, और इस दफ़ा जब वो आए तो 11 आए, 10 नहीं आए, तो इस वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। और फिर उन्होंने उनको तसल्ली दी, क्या तसल्ली दी, कि भाई आप, इन्होंने आपको पूरा रास्ता तकलीफ भी पहुंचाई होगी, तुम्हें तंग भी किया होगा, उसके ऊपर तुम क्या करना, तुम रंजीदा ना होना। आगे क्या फरमाया, अय्य तुहल ईर इन्नकुम लसारिकून, अच्छा ये फरमाया कि भाई ए काफले वाले तुम चोर हो। बिन्यामीन अलैहिस्सलाम के क्या नाम है को अपने पास रखने के लिए एक हीला इख्तियार फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और वो हीला वही है जो मैंने बयान कर दिया कि उनके दीन के मुताबिक अगर कोई चोरी करता था तो चोरी करने वाले शख्स को आप खुद जो है उसकी सज़ा के तौर पर उसको अपने पास रख सकते थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यही किया कि भाई उनके सामान के अंदर जो है बर्तन रख दिया,
ताकि जब उनके सामान में से बर्तन निकलेगा तो वो उनको अपने पास रख सके। फिर आगे फरमाया कि कदाली का किदना यूसुफ, हमने इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या नाम है तदबीर सिखा दी। अब यहां पर समझने की बात यह है कि भाई ये काम तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया था, भाई उनके सामान में बर्तन रखना ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से हुआ था या उन्होंने खुद किया था। सवाल यहां पर यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस तदबीर की निस्बत अपनी जात की तरफ कर रहे हैं कि भाई ये तदबीर हमने सिखाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को, क्या इसके अंदर राज है। अजीब बात जिक्र फरमाई हमारे मशाइख ने, वो फरमाते कि कामिलीन के अफ़ाल जो अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब तरीन बंदे होते हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपनी मारिफत से नवाज देते हैं, वो जो है अल्लाह ताला के अफ़आल के मजहर होते हैं, अल्लाह के अफ़आल के मजहर होते हैं। क्या माना? माना ये होता है कि वो कुछ काम अगर करे तो उस काम तो करने वाले तो वो खुद शख्स होता है, लेकिन उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ होती है। अल्लाह तबारक व तआला उनके काम की निस्बत को अपनी तरफ करते हैं कि भाई ये काम मैंने किया, हालांकि उस बंदे ने खुद किया होता है। उसको इस तरह समझे कि अल्लाह तबारक व तआला खुद हदीस मुबारक के अंदर फरमाते हैं कि जब बंदा मेरा मुकर्रब बन जाता है तो मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके पांव बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ। तो मालूम ये हुआ कि उसका जो भी काम होगा वो अल्लाह की मशीयत से ही होगा। जाहिर है कि भाई यानी अल्लाह उसके हाथ तो नहीं बन जाते हकीकी मानों में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह की चाहत के बगैर वो कोई काम नहीं करता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस मौके के ऊपर ये जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तदबीर इख्तियार फरमाई उसकी निस्बत अपनी ज़ात की तरफ की। चूंकि हम यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथ बन गए हैं तो जब उनके हाथ बन गए हैं तो उन्होंने अपने हाथ से जो काम किया वो खुद से नहीं किया, हमारी मशीयत से किया है। आगे क्या फरमाया, मा कान लिय खुद अखाहु फी दीनिल मलिक इल्ला अन यशा अल्लाह। भाई बादशाह के दीन का जो दीन था उस दीन के मुताबिक किसी को कोई अपने पास नहीं रख सकता था, इल्ला ये कि भाई उसने कोई चोरी की हो उस वक़्त उसको रख सकते हैं। यहाँ पर 59वां फ़ायदा क्या है? तो 59वां फ़ायदा यहाँ पर ये जिक्र किया गया है कि भाई मसलहत के तहत हीला करना जायज़ है, मसलहत के तहत हीला करना जायज़ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर हीला किया, ये हीला था अपने भाई को अपने पास रखने के लिए, एक हीला था, एक वे आउट था, कोई ऐसी तदबीर इख्तियार फरमाई कि जिसके ज़रिए से वो अपने भाई को अपने पास रख सकते थे, तो उसको हीला करते हैं, उसको हीला कहते हैं। तो इससे ये बात बताई गई है कि भाई मसलहत के खातिर कोई बंदा अगर किसी मामले में हीला करता है, लेकिन हीला उस चीज़ के अंदर हो जिससे अल्लाह का हुक्म न टूटता हो, हराम काम के लिए ना हो, तो उस सूरत के अंदर हीला करना जायज़ है। मैं एक और मुख्तसर सा वाक़िया जिक्र करता हूँ, मैं मज़ीद आज जो है तकरीबन 7-8 मिनट्स लूँगा ताकि मैं अपने मज़मून को पूरा कर सकूँ, अपनी क्या नाम है तफसीर को पूरा कर सकूँ, आगे फिर हमारे पास 2 दिन रहेंगे। हीले की एक मिसाल, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक मौके के ऊपर कसम खाई। कसम क्या उठाई? कसम ये उठाई कि भाई वो क्या नाम है अपनी बीवी के बारे में उन्होंने कसम उठा ली, और कसम ये उठाई कि भाई अगर ये होगा तो वो उनको 100 कोड़े लगाएंगे, वो उनको क्या करेंगे 100 कोड़े लगाएंगे। अब कसम तो खा ली, बाद में उनको अंदाज़ा हुआ कि भाई बहुत ख़तरनाक कसम है। अब 2 सूरतें हैं, या तो मैं 100 कोड़े लगाऊँ, 100 कोड़े लगाऊँ तो भाई इनकी तो जान जाएगी, ये एक मसला। अगर मैं कसम तोड़ूँ तो मैं अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाला बन जाऊँगा, अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाला बन जाऊँगा। अब वो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद उनको तरीका सिखा दिया। अल्लाह ने फरमाया कि भाई छोटी छोटी लकड़ियाँ जो है 100 उठा लो और उनका गट्ठा बना लो, उस गट्ठे को उठाकर उनको एक दफ़ा मार दो, तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाएगी और ना उनको लगेगा, लेकिन कसम भी पूरी हो जाएगी, हर चीज़ न कसम टूटेगी और क्या नाम है कसम भी पूरी हो जाएगी और ना उनको तकलीफ होगी। इसको हीला कहते हैं।
اب یہاں پر جو ہے ایک اور بات میں صرف ذکر کر دوں مزید وضاحت کے طور پر، اور وہ یہ ہے کہ بھائی ناجائز ہیلا کرنا، ایسا ہیلا کرنا جس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، ایسا ہیلا کرنا جس سے کسی حرام کام کو کرنے والا بندہ ہو، ایسا ہیلا جائز نہیں ہے۔ اس کی میں ایک دو مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک بندہ سفر کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، اس لیے کہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے، بندہ کہتا ہے میں سفر کروں گا رمضان کے مہینے میں تاکہ مجھے میں روزے سے بچ جاؤ، تاکہ میں روزے سے بچ جاؤ، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک بندے کا سال مکمل ہو رہا ہے زکوٰۃ کا، ابھی مکمل ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے، وہ اپنے مال سارا کا سارا اپنی بیوی کو ہدیے میں دے دیتا ہے کہ میں اس کو گفٹ کر دیتا ہوں، مجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، حرام ہے، جائز نہیں۔ تو ایسا ہیلا جو اس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو یا جس میں کوئی حرام کام ہو رہا ہو، اس قسم کا ہیلا جو ہے شریعت کے اندر کرنا جائز نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ہیلا یہ بالکل 100% درست تھا، عین شریعت کے مطابق تھا، اس لیے کہ یہاں پر کوئی حکم شرعی نہیں ٹوٹ رہا تھا، نہ کوئی حرام کام ہو رہا تھا، اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے، تو ایسی تدبیر انہوں نے اختیار کی، یہ بالکل 100% ٹھیک ہے، شریعت کے عین مطابق ہے۔ آگے کیا فرمایا، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانا انا نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون دیکھیں قالوا انہوں نے فرمایا کہ ان يسرق اب جب وہ سامان مل گیا بنیامین علیہ السلام کے سامان میں سے برتن انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی ہوگی یا اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی فاصر رہا یوسف بنفسی اس بات کو یوسف کیونکہ وہ زبان سے بولے تھے یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے سینے کے اندر دبا کے رکھا ولم یبدیہا لہم اور اس کو ظاہر نہیں کیا اور پھر اپنے جی میں انہوں نے کہا انتم شر مکانا تم تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہو تم تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہو واللہ اعلم بما تصفون اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے اس بات کو جو تم بنا رہے ہو قالوا یا ایہا العزیز انہوں نے کہا کہ اے عزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا ان کا ایک بہت بڑھا والد ہے فخذ احدنا مکانا ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ کے اوپر لے لو انا نراک من المحسنین ہم آپ کو بہت نیک محسوس کرتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ ان ناخذ کہ ہم لے کسی اور کو مگر اسی کو جس کے سامان میں ہم نے اس کو پایا انا اذا لظالمین اس کے علاوہ کسی اور کو لے تو تب تو ہم ظلم کرنے والے ہوں گے فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا جب وہ مایوس ہو گئے اس سے خلصوا نجیا تو وہ الگ ہو گئے اور سرگوشی کرنے لگے مشورہ کرنے لگے قال کبیرہم ان کے بڑے نے کہا الم تعلم تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے وعدہ لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا وعدہ لیا تھا ومن قبل ما فرطت یوسف اور اس سے پہلے تم جو کچھ کر اور اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کر چکے ہو وہ واضح ہے فلن ابرح الارض اس بڑے نے کہا کہ میں اسی زمین کے اوپر رہوں گا حتی یأذن لی ابھی یہاں تک کہ میرے والد مجھ کو اجازت دے دے یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے وہ خیر الحاکمین اور وہ بہترین حاکم ہے ارجعوا الی ابیکم تم لوٹو اپنے باپ کی طرف فقولو اور اس کو کہو اے ہمارے باپ ہمارے آپ کے بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے وما شہیدنا الا بما علمنا اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں مگر وہ بات جو ہم جانتے ہیں وما كنا للغیب حافظین اور غیب کی محافظت کرنے والے ہم نہیں ہیں واسأل القرية التي كنا فيها آپ اس بستی والوں سے پوچھے جس میں ہم تھے والعیر التي اقبلنا فيها اور اس قافلے والوں سے پوچھے جس میں ہم آئے وانا لصادقون اور بے شک ہم سچے ہیں
قال بل سولت لكم انفسكم امرا, انہوں نے فرمایا کہ بھائی تمہارے نفس نے اس معاملے کو بنا لیا ہے, فصبر جمیل, صبر ہی بہتر ہے. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا, شاید کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان قریب دونوں کو میرے پاس لے کر آئے گا. انه هو العلیم الحکیم, وہ علیم ہے اور حکیم ہے. وتولى عنه, اور وہ ان سے جدا ہو گئے اور فرمانے لگے یا اسفا على یوسف, ہائے افسوس یوسف علیہ السلام کے اوپر. وابيضت عيناه من الحزن, اور ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی. فهو كظيم, اور وہ کیا ہو رہے تھے, اور وہ جو ہے دل ہی دل کے اندر گھٹ رہے تھے. قالوا, انہوں نے کہا تاللہ تفتأ تذکر یوسف, انہوں نے کہا, ان کے بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے, آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے. حتی تکون حرضا, یہاں تک کہ آپ بالکل گل جائیں گے, یہاں تک کہ آپ بالکل گل جائیں گے یا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. قال انما اشکو بثی و حزنی, انہوں نے کہا کہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے رنج کی اور اپنے غم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. واعلم من اللہ ما لا تعلمون, اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یا بنی یا اذهبوا, اے میری اولاد تم جاؤ. فتحسسوا من یوسف و اخیہ, تم ڈھونڈ کر آؤ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بھائی کو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا مگر کافر بندہ. اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے اور پھر جو ہے میں اپنی بات کو وہیں پر مکمل کر لوں گا. اب کیا ہوا, یہ لوگ جو ہے گھر پہنچے, گھر پہنچے تو اچھا نہیں, ابھی تو وہیں پر تھے بادشاہ کے پاس, یوسف علیہ السلام کے پاس. انہوں نے کیا کہا, اب جب وہ سامان نکلا, کیا نام ہے, بنیامین علیہ السلام کے سامان میں سے برتن نکلا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی پہلے چوری کی تھی. اس کے واقعات, کیا چوری کی تھی, کیا واقعہ ہے, چوری کیا تھا نہیں کیا تھا, وہ آگے اس کا مسئلہ آگے آئے گا. یوسف علیہ السلام کو بات بہت دکھ ہوا, انہوں نے اس بات کو اپنے جی کے اندر محفوظ رکھا, کچھ کہا نہیں. اور پھر انہوں نے اپنے جی ہی میں کہا کہ بھائی تم تو اس سے زیادہ بدتر جگہ کے اوپر ہو, اس لیے کہ تم نے تو کیا ظلم کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے, وہ تو سب سامنے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتا ہے. اب انہوں نے منت سماجت کرنے شروع کی کہ بھائی ہمارے والد بڑی عمر کے ہو چکے ہیں, آپ ہم میں سے کسی اور کو لے لو اور ہم آپ کو نیک محسوس کرتے. یوسف علیہ السلام فرمایا کہ بھائی اللہ کی پناہ, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اسی کو لیں گے جس کے پاس سامان ہے, اگر ہم کسی اور کو لیں گے اس کی جگہ کے اوپر تب تو ہم ظلم کرنے والے ہوں گے. پھر آگے جو ہے وہ لوگ الگ ہو گئے, آپس میں مشورہ کرنے لگے, اور جو ان میں سے بڑا تھا وہ سمجھدار تھا, اس کو احساس ذمہ داری ہو گئی, اس کو ندامت ہوئی, اس نے کہا کہ بھائی میں تو یہیں پر رہوں گا, تم لوگ واپس جاؤ, اور چونکہ والد نے ہم سے وعدہ لیا تھا, اور اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ واضح ہے, بھائی پہلے جو ہے یہ واقعہ ہو چکا ہے, اس لیے میں تو یہیں پر رہوں گا, اور تم جب تک کہ میرے والد خود مجھے واپس آنے کی اجازت نہ دے, اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر لے, تم واپس جاؤ اور بتا دینا کہ بھائی اس نے چوری کی ہے, اور پھر بتا دینا کہ بھائی جو ہم نے دیکھا ہے ہم وہی چیز بتا رہے ہیں آپ کو, اور غیب کے معاملے میں جو ہے ہم غیب کو آگے پیچھے کرنے والے تو نہیں تھے, اور نہ ہم غیب کے بارے میں محافظ ہیں, اور نہ ہم غیب کی باتوں کو جان سکتے ہیں. پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ پتہ کر سکتے ہو, کس سے, بستی والوں سے, جس بستی میں ہم تھے یا جس قافلے میں ہم تھے ان سے پتہ کر لو. جب انہوں نے اس بات کو یوسف علیہ السلام کے سامنے ذکر فرمایا, یوسف علیہ السلام فرمایا, یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ بھائی یہ تو تم نے اپنی طرف سے بات بنا لیا, اور پھر وہی بات فصبر جمیل. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو میرے پاس لے کر آئے. پھر آگے وہ الگ ہوتے ہیں اور پھر اس کے اوپر افسوس کرتے ہیں, ان کی آنکھیں بھی سفید ہو گئی تھی, اور پھر جو ہے اندر ہی اندر جو ہے وہ گھٹن محسوس کر رہے تھے. آگے پھر انہوں نے کیا فرمایا, ان بچوں نے کہا کہ بھئی ہم اللہ کی قسم دیتے ہیں آپ کو کہ آپ تو یوسف علیہ السلام کی یاد کو چھوڑ ہی نہیں رہے, بھئی کب تک ایسا کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ آپ گل جائے یعنی کہ پگھل جائے اسی کے اندر, اور آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو ہے پھر اپنے غم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا, اور پھر اس کو پیش کرنے کے بعد انہوں نے بچوں کو کہا کہ تم جاؤ یوسف علیہ السلام کو بھی ڈھونڈ کر آؤ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا.
और फिर उन्होंने फरमाया कि भाई अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला जो है वो सिर्फ काफिर ही हो सकता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाकी जो है वो हम कल इसको जारी रखेंगे। सुबहानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानअल्लाहिल अज़ीम, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।